हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका या तो आरआरबी में सिलेक्शन हो गया है या फिर वो आरआरबी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए ही आप हमारे इस वीडियो तक आज आए हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आखिर अगर आप आरआरबी में जाएंगे तो कितनी सैलरी होगी, कितनी छुट्टियां आपको दी जाएगी और कितने अलाउंसेंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, टेंशन को जाइए भूल और जानो कि क्या है आरआरबी की सैलरी की बातें मूल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी की सैलरी क्या है, कितना आपको बेसिक पे मिलेगा, कितने आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये सभी बातें आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेकिन 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 शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारे चैनल में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी की पोस्ट के बारे में, क्योंकि आरआरबी की सैलरी की जो बातें हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आरआरबी की सैलरी डिपेंड्स करती है कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं। तो आरआरबी में कुल चार तरीके की पोस्ट होती है, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3। आरआरबी में ये सारी पोस्ट होती हैं। आइए आगे जानते हैं कि इन पोस्ट की सैलरी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में पेशेंस ज़रूर बना के रखना होगा, क्योंकि हम आपसे आरआरबी सैलरी के बारे में सारी बातें जो हैं वो डिटेल में करेंगे, तो इसके लिए बी पेशेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल जो कि पीओ की पोस्ट होती है, दोस्तों ऑफिसर स्केल की बेसिक पे जो होती है वो होती है 23,700 रुपये, और आपको इसमें इनकम का 7% जो कि एचआरए होता है वो आपको मिलता है, यानी कि आपको इनकम का 7% हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है। आपको एचआरए के रूप में करीब करीब 1,659 रुपये होते हैं जो कि प्राप्त होते हैं। इसमें आपको डियरनेस अलाउंसेस भी प्राप्त होता है जो कि क्वार्टरली चेंज होता रहता है। दोस्तों, डीए आपको आपकी सैलरी का 60.7% मिलता है जो कि आपको 14,385.90 रुपये प्राप्त होता है। इसके बाद आपको बेसिक पे का 7.75% यानी कि 1,836.75 रुपये आपको मिलते हैं। डीए और ऐसे आपको स्पेशल अलाउंसेस का कुछ परसेंट मिलता है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो दोस्तों, आपको ऑफिसर स्केल की जो सैलरी है यानी कि रीजनल रूरल बैंक में आपको जो मिलती है वो होती है 42,696 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको 42,000 के करीब सैलरी इसमें प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की सैलरी की। दोस्तों, अगर आप स्केल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो स्केल 2 की सैलरी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, स्केल 2 का बेसिक पे आपको 71,705 रुपये प्राप्त होता है, और आपको इसमें एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है आपको आपकी सैलरी का 7% मिलता है, यानी कि आपको 71,705 रुपये का 7% हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। देखा जाए तो आपको करीब करीब 2,219.35 रुपये एचआरए मिलता है। अगर हम डीए की बात करें यानी डियरनेस अलाउंस की बात करें तो ये आपको आपकी सैलरी का 60.7% यानी कि कुछ कुछ 19,244.93 रुपये प्राप्त होता है, और डीए और ऐसे आपको 1,491.47 रुपये मिलता है। अगर हम ऑफिसर स्केल 2 की ग्रॉस सैलरी की बात करें यानी कि हम देखें कि आपको करीब करीब कितने रुपए मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको करीब करीब 57,000 के करीब आपको सैलरी मिलती है। अगर हम फिर भी इसकी कैलकुलेशन निकालें तो आपको 57,117.88 रुपये जो है ऑफिसर स्केल 2 के अंदर सैलरी के रूप में प्राप्त होते हैं,
जो कि किसी भी नज़र से आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 के लिए कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिसर असिस्टेंट की सैलरी में आपको 15,000 से 19,000 रुपए तक प्राप्त होते हैं, जिसमें कि आपके सारे अलाउंसेंस जो हैं वो शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें IBPS RRB स्केल 3 की सैलरी की, तो इसकी सैलरी आपको 38,000 से 44,000 रुपए तक प्राप्त होती है। आपको इसकी सैलरी में सभी HRA और DA शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थी वो ज़रूरी बातें जो कि आपका जानना ज़रूरी था। अगर आप IBPS RRB का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप रीजनल रूरल बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपको उसकी सैलरी के बारे में पता होना ज़रूरी होना चाहिए दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको कितनी सैलरी इसमें दी जाएगी। जितनी भी सैलरी की बात हमने करी है तो ये एक रूरल बैंक की सैलरी के बेसिस पे बिल्कुल भी कम नहीं है दोस्तों, आप इसे इतनी कम सैलरी ना समझें। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से कोई भी नई वीडियो की नई अपडेट, नए एग्ज़ाम्स की नई अपडेट, नई नोटिफिकेशंस जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को यानी स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। तो दोस्तों करते हैं फिर मुलाकात नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।